हेलो हाय एवरीवन। सो टुडे वी विल डिस्कस एससी कंपनी, वन ऑफ द पास्ट एग्जाम पेपर क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एससी कंपनी। लेट्स सी कि इसको एक्सेल पे कैसे सॉल्व करना है। सो इट सेज एससी कंपनी इज एवेल्युएटिंग द परचेज ऑफ न्यू मशीन टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट पी विच इज शॉर्ट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ड्यू टू रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट 1 मिलियन। तो मशीन में जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा, हमारा इनिशियल आउटफ्लो होगा 1 मिलियन का है। प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ प्रोडक्ट पी आर फोरकास्ट टू बी एज फॉलोज। हमें ईयर बता रखे हैं 1, 2, 3, 4। प्रोडक्शन सेल्स दी हुई है 35,000, 53,000, 75,000, 36,000। द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी विल बी $20 पर यूनिट। तो ये करंट प्राइस टर्म में दिया हुआ है बच्चों। तो स्टूडेंट्स, अगर करंट प्राइस टर्म में हमें कुछ दिया हुआ है तो मतलब रियल टर्म्स में दिया हुआ है, आज के टर्म्स में दिया हुआ है। ओके, सो वाइल द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज ऑल्सो इन करंट प्राइस टर्म 12 पर यूनिट। फिर कहता है सेलिंग प्राइस इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी 4% और कॉस्ट पे 5% का इन्फ्लेशन बोला है। तो इन्फ्लेशन दोनों में सेपरेट दिया हुआ है, हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? नॉमिनल मेथड। सेपरेट सेपरेट इन्फ्लेशन है। नो इंक्रीज इन एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड सिंस द एससी कंपनी स्पेयर कैपेसिटी। तो एडिशनल फिक्स कॉस्ट कुछ भी नहीं है, तो फिक्स कॉस्ट इज नॉट रेलिवेंट इन दिस क्वेश्चन, क्योंकि कंपनी के पास स्पेयर कैपेसिटी है। एंड इन केस ऑफ स्पेयर कैपेसिटी, जब आपकी कोई एडिशनल फिक्स कॉस्ट ना लगे तो एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट आपकी इररिलेवेंट हो जाती है। प्रोडक्शन एंड सेलिंग प्रोडक्ट पी विल कॉल फॉर इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल तो चाहिए होगी। एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल विद इन एससी कंपनी इंडिकेट्स दैट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर इन्वेस्टिंग इन अ वर्किंग कैपिटल विल बी नीड 7% सेल्स रेवेन्यू फॉर दैट ईयर। तो बिल्कुल सिंपल सा वर्किंग कैपिटल का पॉइंट है, जो हम नॉर्मली वर्किंग कैपिटल स्टार्ट ऑफ द ईयर में ही लेते हैं, 7% हर साल, मतलब हर साल के रेवेन्यू का 7% वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर। एससी कंपनी पे टैक्स 30% इन विच प्रॉफिट इन द ईयर इन विच प्रॉफिट इज अकरिंग। तो अरियर का केस भी नहीं है, बड़ा सिंपल सा केस है। टैक्स अलाउबल डिप्रिशिएशन आपका SLM मेथड से लग रहा है 4 साल का। स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो कोई बैलेंसिंग अलाउंस बैलेंसिंग चार्ज का कंसेप्ट भी नहीं आएगा फाइनल ईयर में। आपको स्क्रैप वैल्यू के लिए ही बोला तो आप सीधा 4 सालों में डेप्रिशिएशन को अप्लाई कर देंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें 12% दिया है। एनपीवी और आईआरआर निकालना है। अराउंड 15 मार्क्स का आपका एनपीवी और आईआरआर का कैलकुलेशन है। पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन है ये। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन एक्सेल। एक्सेल पे करते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले तो यू कैन शो कि हम थाउजेंड्स में कैलकुलेशन कर रहे हैं, एग्जामिनर को ये चीज यू कैन शो। सेकेंडली, यूनिट्स को भी हम यहाँ पे पहले तो ईयर्स ले लेते हैं, ईयर्स लिख लेते हैं। तो 4 साल का प्रोजेक्ट है, 1, 2, 3 एंड 4। फिफ्थ ईयर बनाने की जरूरत नहीं है। वन ईयर अरियर का केस होता तो फिफ्थ ईयर बनाते, हम एक एक्स्ट्रा ईयर बनाते, क्योंकि टैक्स उसी साल में, टैक्स का बेनिफिट उसी साल मिल रहा है जिस साल अराइज हो रहा है। तो 4 साल में ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यूनिट्स का एक कॉलम बना लेते हैं, थाउजेंड्स में ही लिख लेते हैं यूनिट्स को। 35, 53, sorry, it will start from year 1, 53, 75, 36. क्योंकि बार बार मेरे को यूनिट चाहिए कैलकुलेशन के लिए, तो मैं उसको अलग से लिख लेता हूँ। अब अपनी फॉर्मेट को यूज करते हैं, जो नॉर्मल फॉर्मेट हमने पढ़ी। सबसे पहले रेवेन्यू। तो रेवेन्यू को कैसे आप करेंगे कैलकुलेट? कहता है 35,000 यूनिट है, मल्टीप्लाई 20, एक प्राइस का यूनिट है 20, मल्टीप्लाई इन्फ्लेशन, 4% का इन्फ्लेशन बोला है 1.04, प्लस ईयर से आप रेफरेंसिंग कर देंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन हर साल राइज होगा ना, पहले साल 1 साल का, दूसरे साल 2 साल का। तो मेरे को ईयर से इसको रेफरेंसिंग कर दी मैंने, 728। कंट्रोल सी, शिफ्ट से मैंने ड्रैग किया, कंट्रोल वी, फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर दिया। यू कैन चेक आउट फंक्शन, फंक्शन F2 करके आप चेक करेंगे तो आपको रेफरेंसिंग दिखाई देगी कि मैंने ऑटोमेटिकली किस तरह से इनको रेफरेंस कर दिया। एक्सेल ने ऑटोमेटिकली रेफरेंस कर दिया इसको। सेकेंड ईयर में इन्फ्लेशन 2 साल का लगेगा, तो अपने आप ईयर 2 पे चला गया।
कॉस्ट, तो कॉस्ट के लिए क्वेश्चन कहता है हमारा 12 पर यूनिट, कॉस्ट इज 12 पर यूनिट, ओके 35, ट्वेल्व, इन्फ्लेशन 5% का इन्फ्लेशन है हमारा, अगेन सेम रेफरेंसिंग, कंट्रोल सी, शिफ्ट एंड राइट की ड्रैग किया, कंट्रोल वी, तो कितना आसान हो गया हमारा कैलकुलेशन एक्सेल की वजह से। ठीक है, फिक्स कॉस्ट कुछ है नहीं, नेट कैश फ्लो आ जाएगा, थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देते हैं इसका। ठीक है, नेट कैश फ्लो निकाल लो, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, कंट्रोल सी, अगेन कंट्रोल वी, नेट कैश फ्लो के बाद। अब नेट कैश फ्लो पे अपन सीधा टैक्स लगाते हैं, टैक्स हमारा जो लगेगा एट द रेट ऑफ 30%, टैक्स को नेगेटिव में लिखेंगे, माइनस पुट कर लीजिए 0.3, देखिए दोबारा से लगाते हैं, रेफरेंसिंग एरर हो गया, ठीक है, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल, सेम चीज। नाउ टैक्स सेविंग ड्यू टू डेप, डेप्रिसिएशन की टैक्स सेविंग भी कंसीडर करोगे, स्क्रैप वैल्यू है नहीं कुछ भी, बिल्कुल सिंपली हो जाएगा। टैक्स सेविंग कैसे निकलता है, डेप्रिसिएशन इनटू टैक्स रेट, हाउ डू यू कैलकुलेट टैक्स सेविंग, डेप्रिसिएशन इनटू टैक्स रेट, असलियत में डेप्रिसिएशन की वजह से हमें टैक्स सेविंग जनरेट होता है, तो वो टैक्स सेविंग भी तो हमारे लिए इनफ्लो है, पैसे का ना जाना भी तो हमारे लिए इनफ्लो है, क्योंकि मैंने नेट कैश फ्लो पे टैक्स लगा दिया है सीधा, डेप्रिसिएशन को इसमें से माइनस नहीं किया, तो डेप्रिसिएशन की जो सेविंग है, मैं डेप्रिसिएशन माइनस करके ऐड बैक करता हूं, उससे बेटर है सिर्फ उसकी सेविंग को यहां पे ऐड कर लो, तो टैक्स सेविंग टू डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है, डेप्रिसिएशन इनटू टैक्स रेट। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट मैंने 1000 का किया है, 4 साल की लाइफ है, मेरा डेप्रिसिएशन पर ईयर आ जाएगा, इसमें आई विल मल्टीप्लाई टैक्स रेट, टैक्स रेट इज 0.3, 30%, 75, कंट्रोल सी, चारों साल में लगेगा, फाइनल ईयर में भी क्यों डेप्रिसिएशन लग रहा है, क्योंकि कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है फाइनल ईयर में, टैक्स सेविंग निकल गया। नेक्स्ट पॉइंट वर्किंग कैपिटल, चेंजेस को हम कंसीडर करते हैं, वर्किंग कैपिटल चेंजेस को लेके थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इसके लिए आपको सेपरेट वर्किंग नोट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है थोड़ी सी, तो इसको सेपरेटली एक वर्किंग नोट करके अपन बना लेते हैं। वर्किंग नोट देखिए, कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब देखिए यहाँ पे वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए मुझे रेवेन्यू चाहिए, अब मैं रेवेन्यू को सीधा कॉपी पेस्ट करता हूं, लेट से कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, तो आप देख रहे हैं वर्कआउट नहीं कर रहा है, इट्स नॉट वर्किंग आउट बिकॉज यहाँ पे फॉर्मुला लगा हुआ है, जो रेवेन्यू में हमने कैलकुलेट किया वो फॉर्मुला लगा के रेवेन्यू कैलकुलेट किया, तो कॉपी पेस्टिंग में वो आ नहीं रहा है, स्पेशल पेस्टिंग करेंगे तो आ भी जाएगा, बट नॉर्मल कॉपी पेस्ट में वो नहीं आ पाता है, तो बेटर है जब भी आप फॉर्मुला लगा रखा है आपने और आपको उसको रेफरेंसिंग करना है, आप इक्वल टू दबाओ, जिस भी सेल पे जाना है उस सेल पे जाके क्लिक करो, वो रेफरेंस हो जाएगा, आप ये फिगर कॉपी करोगे आपको इश्यू नहीं आएगा, आपको ठीक है। अब रेवेन्यू मिल गया, रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल निकाल लो, रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल कितना है, स्टार्ट ऑफ द ईयर में चाहिए मेरे को 7%, 50.96, सेम यही चीज, बट ये तो है रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल, पहले साल में 50, दूसरे साल में 80, बट हम कैश फ्लोज में तो चेंजेस को कंसिडर करते हैं ना, पहले साल 50 लगा रखा है तो अगले साल 80 चाहिए, तो और कितना लगेगा, चेंज चाहिए हमें, तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस पहले साल का तो यही रहेगा नेगेटिव, दूसरे साल के लिए याद रखना हमेशा ओल्ड माइनस न्यू 29 एक्स्ट्रा, और इसको आप अप्लाई कर दोगे तो अपने आप आपका आ जाएगा 37 और चाहिए थर्ड ईयर में, पहले साल में आपने 50 लगाया राइट,
दूसरे साल में 80 चाहिए, 50 ऑलरेडी लगा रखा है, एक्स्ट्रा कितना लगाओगे 29। तीसरे साल में 118 चाहिए, एक्स्ट्रा कितना लगाओगे 37। फोर्थ ईयर में 58 चाहिए, सॉरी थर्ड ईयर के एंड में, फोर्थ ईयर के स्टार्ट में 58 चाहिए। ऑलरेडी आपने 59 एक्स्ट्रा लगा रखा, वापस ले लोगे और बचा हुआ 58 वापस आ जाएगा फाइनल ईयर में। अब अगेन इस वर्किंग कैपिटल चेंज को मुझे ऊपर लेके जाना है, तो मैं क्या करूंगा, दोबारा रेफरेंस कर दूंगा। बिल्कुल सिंपल है एक्सेल पे यही कैलकुलेशंस, जो आपका काफी टाइम कंज्यूम करती, काफी इजी हो जाती है एक्सेल पे। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस को अपन ने नोट डाउन कर लिया। इसके बाद इस क्वेश्चन में हमारे लिए कुछ खास बचता नहीं है। आपका इनिशियल आउटफ्लो भी आप कंसीडर कर लो, अराउंड -1000 आपका कैश फ्लो आ जाएगा, आपके नेट नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज या नेट कैश फ्लोज आप लिख लो, ऊपर आप ऑपरेटिंग डाल सकते हो, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो एक तरीके से नेट टोटल कैश फ्लो हो गया ना। करेक्ट है, तो हम सम का फॉर्मूला लगा देता हूं मैं, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो तक लगा देते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। देखिए देन कैश फ्लोज निकल भी गए, कितना टाइम लगा हमें। अब बात है एनपीवी और आईआरआर निकालने की, तो मैं आपको दोनों तरीके से एनपीवी आईआरआर सिखा देता हूं। एक एक्सेल के फॉर्मूले से भी आप एनपीवी आईआरआर निकाल सकते हैं, या इसमें आप सॉल्व भी कर सकते हैं एनपीवी आईआरआर नॉर्मल बोर्ड मास के रूल से। आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोला है क्वेश्चन में 12%, मुझे एनपीवी निकालना, तो पहले तो मैं पीवी फैक्टर निकालता हूँ नॉर्मल मेथड से, करूँ नॉर्मल मैथमेटिक्स से। तो 12% का फैक्टर बना 1.12, देखो पावर लागी, नेगेटिव का साइन लगा के रेफरेंस कर दिया ईयर्स को, तो ये पहले साल का फैक्टर आ गया 1। कॉपी पेस्ट किया, हर साल का फैक्टर मिल गया 0.8937। तो आपको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, फैक्टर को आप एक्सेल पे भी निकाल सकते हैं। जस्ट रिमेंबर, जो भी डिस्काउंट रेट है उसको फैक्टर बनाया, उसका पीवीएफ बनाया, पावर को नेगेटिव में रखा और ईयर से लिंक करके यू विल गेट, जितने भी सालों का आपको फैक्टर चाहिए यू विल गेट। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकल गया, अब प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, 10 × 10 एनपीवी आ जाएगा आपका, इनका सम कर लो। एनपीवी क्या होता है, पीवी ऑफ इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ आउटफ्लो, तो नेगेटिव वाला अपने आप माइनस हो जाएगा। 90.65 पॉजिटिव एनपीवी आ रहा है, प्रोजेक्ट को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्या सर एक और तरीका है इसको निकालने का, तो एक बहुत सिंपल तरीका भी है, सीधा आप एनपीवी का फॉर्मूला लगाओ, एनपीवी का एक्सेल का फॉर्मूला इनबिल्ट फॉर्मूला है, एनपीवी टाइप किया, ब्रैकेट ओपन किया, आपसे पूछता है रेट डालो, तो रेट डाल दो पहले 12%। अब बोलता है वैल्यू सिलेक्ट करो जिसको डिस्काउंट करना है। यहाँ पे ध्यान रखना, जो वैल्यू आप सिलेक्ट करोगे वो ईयर जीरो से नहीं करोगे, ईयर वन से करोगे। वाई सर? बच्चों अगर आप ईयर जीरो से वैल्यू को सिलेक्ट कर लेते हो तो एक्सेल ईयर जीरो को भी डिस्काउंट कर देगा, बट ईयर जीरो तो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। तो याद रखना कैश फ्लो को ईयर वन से सिलेक्ट करना हमेशा, बाद में इसमें ईयर जीरो का जो आउटफ्लो माइनस होना है उसको एडजस्ट कर देना अलग से, क्योंकि डिस्काउंटिंग तो ईयर वन से करनी है बट ईयर जीरो का कैश फ्लो माइनस तो करना है ना रिजल्ट से। तो मैं अभी एडजस्ट कर देता हूँ, ये परसेंटेज में आ रहा है, यहां से आप ठीक कर सकते हैं इसको, मैं इसको नंबर में कर देता हूँ 90.65। तो काफी आसान है, ये दोनों फॉर्मूले आपके लिए कन्वीनियंट है 90.65। बस इसमें इतना ध्यान रखना कि 12% रेट जो रेट है वो लेना है और ईयर वन से, ईयर वन से, और बाद में आपका जो नेगेटिव कैश फ्लो है उसको एडजस्ट कर देना। ठीक सर, नेक्स्ट आईआरआर निकालना है, तो ये भी दो तरीके हमारे पास आईआरआर के लिए भी दो तरीके। एक तो क्या करते हैं, जो नॉर्मल करते हैं, दो रेट गेस कर लेते हैं, तो 12% पे एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है, एक और रेट गेस कर लेते हैं, लेट से 20% ले लेते हैं। तो 20% का सेम वही फैक्टर मैं बनाता हूँ 20% का, तो 20% को 1.2 लिख सकता हूँ, 1.2 पावर नेगेटिव, रेफरेंस वही पीवी निकाल लो,
दिस मल्टीप्लाई नेट कैश फ्लोस, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी. नाउ जस्ट अप्लाई सम फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एनपीवी. नेगेटिव एनपीवी आ गई. तो अब आईआर का फॉर्मूला लगा दो, जो जो नॉर्मल फॉर्मूला है लीनियर इंटरपोलेशन का, क्या कहता है वो? इक्वल टू लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट. तो एनपीवी कितनी है लोअर रेट पे? 90.6 डिवाइड बाय एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हाई रेट, मतलब डिफरेंस ऑफ एनपीवी. सो ब्रैकेट ओपन कर लो, एनपीवी एट लोअर रेट माइनस NPV at higher rate, bracket close, multiply higher rate minus lower rate, मतलब rate का difference, multiply bracket open, higher rate is 20% minus lower rate, bracket close, IRR आ गया हमारा. इसका भी क्या शॉर्टकट है सर? बिल्कुल सिंपल शॉर्टकट भी है, इक्वल टू आईआरआर. जस्ट टाइप आईआरआर ओपन. अब ये तो एनपीवी से भी ज्यादा आसान है, जस्ट आपको सिलेक्ट करना है कैश फ्लोस को, रेट भी नहीं डालना आपको. बट याद रखना कैश फ्लो इस वक्त ईयर जीरो से स्टार्ट होगा, क्योंकि ईयर जीरो से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हम आईआरआर निकाल रहे हैं. तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कैश फ्लो होने चाहिए, तभी तो वो रेट निकल के आएगा. सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव कैश फ्लो होंगे तो रेट कैसे आएगा, सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो. दोनों होने चाहिए. तो नेट कैश फ्लो पे गया 16%, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. आंसर में जो वेरिएशन है राउंडिंग ऑफ की वजह से, आपको इसका कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा. सो दिस इज एससी कंपनी, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है. एंड एक्सेल पे करना तो और भी आसान, तो आप इसको प्रैक्टिस करिए. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम फ्रीक्वेंटली इन द एग्जाम, सो होप इट विल हेल्प हेल्प यू आउट टू ऑल ऑफ यू. टाटा एवरीवन, टेक केयर.